हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, प्लानिंग तो ये बिल्कुल भी नहीं थी दैट वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में मैं ऐसे टपक पड़ू आपसे बातें करने के लिए, बट ड्यू टू सम रीजन, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इसके पहले के वीडियो में आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू गाइस दैट मेरा फोन जो है वो चोरी हो गया था। सो जो 5 तारीख को हम यहाँ से निकले हैं, तो 5 तारीख और 6 तारीख का जो फुटेज है जब हम दिल्ली पहुंचे हैं, तो वो वाले फुटेजेस थोड़े से गायब है स्टार्टिंग के, क्योंकि तभी मेरा फोन चोरी हो गया एंड वो सारे फुटेज मेरे पुराने फोन में ही थे। सो इस वजह से वो फुटेजेस मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगी एंड थोड़ा सा बेयर कर लेना इस वीडियो को, बिकॉज मैंने अपने दोस्तों से एंड अपने कजिन सिस्टर्स ब्रदर से फोन मांग मांग के उनके मैंने ये पूरा व्लॉग कंप्लीट किया है, जस्ट बिकॉज कि मुझे आप लोगों के साथ मेरे लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट्स शेयर करने थे। ऑल्दो मन में थोड़ा सा मलाल तो था ही कि फोन चोरी हो गया, लेकिन जो एक्सपीरियंस था ये आप लोगों के साथ अगर शेयर नहीं करूं तो मतलब क्या ही मजा है लाइफ में, है ना। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये व्लॉग मैंने बनाया है एंड प्लीज थोड़ा सा बेयर कर लेना क्वालिटी के साथ, स्टेबिलाईजेशन के साथ, बिकॉज उनके फोन उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, स्टेबिलाईजेशन में भी उतनी अच्छी नहीं है। जो ये खुशी है ना आप लोगों के साथ मेरे हैप्पी मोमेंट्स शेयर करने की, वही तो चाहिए, है ना, और मैं वही चीज आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। फोन तो आते जाते रहेंगे। सो क्या आप लोग मेरी ही तरह इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए और मनाली की वादियों में खोने के लिए? सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहला काम हमने किया, सारे लोगों ने अपने लगेज फेंके रूम के अंदर में और सब निकल पड़े सरोजनी मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो ये है हमारा हाल। ओके गाइस, सो आई एम इन द सरोजनी नगर का मेट्रो स्टेशन। वैसे आज ये खाली है और मैं जब पिछली बार आई थी तो खचाखच भरा हुआ था। सो होप सो जो मार्केट है वो आज खाली हो और हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर पाए एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड। तो चलिए फटाफट से चलते हैं सरोजनी मार्केट। सो सरोजनी मार्केट एंटर करने से जो टन्स ऑफ पीपल हमको देखने मिले अंदर, हम घुसे तो 30-50 रुपीस में इतने प्यारे प्यारे इयररिंग के कलेक्शंस थे जो बहुत ट्रेंडी थे। ये प्यारे से झुमके मुझे मात्र 80-100 रुपीस में मिल रहे थे। मैंने तो सरोजनी से इस बार इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन खरीदे। स्टे ट्यून फॉर मेरे अगले आने वाले सरोजनी मार्केट हॉल के लिए, क्योंकि इतने प्यारे कलेक्शन देख के आपका भी दिल खुश हो जाएगा। अभी रात के कितने बज रहे हैं? अभी रात के बज रहे हैं, ये है 9 और हम वॉल्वो बस में बैठे हुए हैं एज वी थॉट। सो मैं यहाँ सब सिस्टर वगैरह बैठे और मुझे बिल्कुल एकदम सामने की सीट में बैठे हुए गाइस, तो यहाँ से व्यू अच्छा नज़ारा दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो नहीं दिखने वाला, ये सब कोहरा जमा हुआ है, तो यहाँ से अच्छा नज़ारा दिख जाएगा गाइस। अभी रात के सुबह के 4 बज रहे हैं और आप रास्ते का हाल देख सकते हो। मैं बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि आजू बाजू सब लोग खर्राटे मार रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और ये भाई साहब पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहे हैं, सामने इतना कोहरा है कुछ भी नहीं दिख रहा है और मेरी तो जान हालत में, बिकॉज मैं सबसे आगे में बैठी हुई हूँ और आई कैन फील ईच एंड एवरी मोड। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। गाइस रास्ते देखो, इतने मुड़े हुए हैं कि हमारी फट रही है और वो अंकल कैसे चला रही है समझ में ही नहीं आ रहा। एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ खाई। वैसे खैर, ये देखो 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 देखो, ओ माय गॉड, ये देखो आगे का टर्न देखो। ओ भाई साहब, ये ऐसे पेट में से मरोड़ आ रहा है ना, क्या बताऊँ आपको मैं। गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग और एक स्टॉप है यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे और उसके बाद में यहाँ से प्रोसीड करेंगे। सो
सो आफ्टर 10 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग नाइट में सुबह ये एक ड्रॉपिंग पॉइंट आया है. जगह का नाम मुझे बिल्कुल मत पूछना क्योंकि पता नहीं है, लेकिन नज़ारे यहाँ के देखने लायक है, इतने प्यारे नज़ारे हैं. तो बात करते करते हम कुल्लू भी पहुँच चुके हैं गाइज. यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में जो है स्काई डाइविंग चालू था, तो जिनको भी यहाँ पे स्काई डाइविंग रिवर राफ्टिंग करना है वो कुल्लू में आके यहाँ पे अपना फन एक्टिविटी कर सकते हैं. तो हम थर्ड डे आएंगे यहाँ पे करने के लिए अगर हमारे पास टाइम और पैसे बचे तो. सो हियर द बेस्ट पार्ट कम्स. आते से ही हमने हमारा जो होटल है उसका वीडियो निकाल लिया क्योंकि इतना प्यारा है. लेट मी शो यू द ओवरऑल व्यू. हम सारे यहाँ पे बैठे हुए क्योंकि बहुत जर्नी करके आए थे, थक गए थे. ये लॉबी इतना खूबसूरती से सजाया हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया ये होटल. और सबसे मेन बात क्या है पता, ये विंडो और इसके बाहर का नज़ारा देख के तो मतलब आप मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हो. ये हमारा रूम है, यहाँ पे एक कबर्ड मिल जाएगा, एक बड़ा सा मिरर और ड्रेसिंग टेबल. उसके बाजू में ये किंग साइज सा बेड है जो मुझे बुला रहा है, आ जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो. लेकिन रूम का और भी व्यू दिखाते हैं. यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा मैट्रेस भी प्रोवाइड किया गया था ताकि हमने उनको बोला था कि कजिन सिस्टर्स लोग हैं सब एक साथ सोना चाहते, तो उन्होंने हमें एक्स्ट्रा मैट्रेस प्रोवाइड किया. और ये बाहर का जो कॉरिडोर हमें मिला है ना गाइज, लेट मी शो यू द सबसे प्यारी चीज़, ये नज़ारा तो देखो. अगर कैमरे का क्वालिटी और स्टेबलाइजेशन अच्छा होता तो मैं आपको बता पाती कि ये इतना प्यारा है. आपको मनाली लाइफ में एक बार विजिट करना ही चाहिए. सो ये हमारा रूम का कॉरिडोर है. आप लोग देख सकते हो मेरे भाई बहन लोग यहाँ बैठ के मस्त मज़े ले रहे. तो बाहर का नज़ारा देखते हैं. ओके सो यहाँ ना बहुत ही सही सा सीन है. सुबह के 11 बज रहे हैं, मनाली का टेम्परेचर इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस है. ओके गाइस, सो दिस इज़ द फर्स्ट डे. अभी सुबह के आई गेस 12 बज रहे हैं और द माहौल इज लुकिंग लाइक दिस. बहुत ही ठंडी है जैसे एज यू कैन सी कि हम लोग किस अवतार में हैं. तो अभी हम जाने वाले हैं, आज ओल्ड मनाली विजिट करेंगे बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डे. तो फर्स्ट डे में हम लोग हिडिम्बा देवी टेम्पल, घटोत्कच टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल एंड मॉल रोड, ये चारों चीज़ें कवर करने वाले हैं. एंड कल वी आर थिंकिंग टू गो टू सोलॉन्ग वैली. एंड थर्ड डे फिर हम लोग पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं. तो चलिए चलते हैं. वैसे मैं आप लोगों को नज़ारा दिखा देती हूँ. सो मैंने शायद 10 बार इस व्यू का जिक्र कर दिया है वीडियो में, लेकिन ये इतना वर्थ इट है. खुशी के मारे मुझे हार्ट अटैक आने वाला था इतना प्यारा नज़ारा देख के. गाइज आपको मनाली ज़रूर विजिट करना चाहिए लाइफ में एक बार. ये वादियाँ देख के आपका मतलब जीवन सफल हो जाएगा सही में. बिल्कुल ऐसे गुड्डा लग रहा है ये, ओरिजिनल तो लगने ना मुझे. ओह माय गॉड. दोपहर के बज रहे थे 2 और हम आ चुके हैं वशिष्ठ टेम्पल विजिट करने के लिए. यहाँ का माहौल इतना पॉजिटिव है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ. फ्रेश हवा चल रही थी, मंदिर की ये पॉजिटिविटी मेरे अंदर में समा गई. वशिष्ठ टेम्पल का एक खास बात मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे 12 महीने हॉट स्प्रिंग आता है. ये कहाँ से आता है हमको पता नहीं. ये मेन टेम्पल है, यह आप विजिट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे इस बाजू में कुंड है जहाँ गर्म पानी आता है. कहते हैं कि यहाँ एक बार स्नान कर लेने से आपके स्किन में जो भी डिसीज़ है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. तो यहाँ हम इस कुंड में एक बार स्नान तो कर ही लेंगे, जो कि मैं वीडियो में ऑफकोर्स नहीं बता सकती आपको. एंड ये देखिए, ये वो कुंड है जहाँ पे 12 महीने गर्म पानी आता है. किसी को नहीं पता कहाँ से आता है, पहाड़ों के बीच में से आता है. एंड इसके बाद में हम गए थे वशिष्ठ टेम्पल के आगे में जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए. यहाँ पे आपको मनाली कल्चर के ट्रेडिशन के जो कपड़े हैं ये काफ़ी अच्छे प्राइस में और बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे. तो यहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की क्योंकि शाम को हमें जाना था मॉल रोड. एंड मॉल रोड भी फेमस होता है शॉपिंग करने के लिए, इसलिए पैसे थोड़े बचा के वहाँ पर भी शॉपिंग कर लेंगे. सो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कैप्चर करेंगे सोलांग वैली जहाँ पर हमने बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ की. So I am very excited to share that thing with you. Please stay tuned for that video. And thanks for watching this video, guys. मुझे ये अपने happy moments आपके साथ share करके ना बहुत खुशी हो रही है, जैसे कि आप मेरे expression से समझ ही पा रहे हो. ऐसे ही मेरे channel पर बने रहिए. हम आगे ऐसे बहुत ही सारे tours capture करने वाले हैं. Thanks for watching this video. Love you guys. Bye.